प्रिंस कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा अमदावाद शहर मेहमान बनया था और तेमणे ही फिल्म विषय दिल खोली ने बात करी थी। शू कहू तेमणे जोई लो। कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा तेमनी अपकमिंग मूवी बार बार देखो ना प्रमोशन माटे अमदावाद ना मेहमान बनया था ज्यां तेमणे अमदावाद उतरतानी साथे ज एरपोर्ट पर काला चश्मा पहरी ने डांस करी होतो। बाद मा तेमणे रिवर फ्रंट पर रोमांस पण करी होतो। तो आ तमाम मस्ती मजाक बाद तेमणे फिल्म विषय मीडिया साथे खूब बधी वातो पण करी हती। सिद्धार्थ तो कोई बीमारी थी पीड़ा छे? बीमारी कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली एक अनोखी कहानी है कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में होता या कोई ऐसा आगे देखने का मौका मिलता अपनी लव स्टोरी का फ्यूचर देखने का तो आप क्या करते? मतलब मानो किसी लड़की को मिले और सडनली आपको उसके समझ आ रही है कि आंखें बंद कर रहे हो, आप फ्यूचर देख रहे हो, बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डिवोर्स होता है कि नहीं होता है, खुश रहते कि नहीं रहते हैं, तो कितना कमाल रहेगा। तो वैसे ही होता है जय वर्मा की कहानी में। सिद्धार्थ शू तू मूवी में बधु भूली जाए छे के पछी मूवी नी स्टोरी कोई टाइम ट्रेवल बेस्ड छे? नहीं, इट्स नॉट, वो भूल नहीं रहा, ही जस्ट डजंट नो बिकॉज़ वो सडनली ही इज ऑन दिस जर्नी। फिक्टिशियस कहानी, इट्स नॉट अ टाइम ट्रैवल फिल्म, देयर इज नो डिवाइस, देयर इज नो टेक्नोलॉजी, इट इज अ फिक्टिशियस स्टोरी डन इन अ रियल वे कि व्हाट इफ यू कुड स्टार्ट सीइंग द फ्यूचर ऑफ योर लव स्टोरी। सो उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पास से हूँ, बाकी सब प्रेजेंट से है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं अगर 10 साल पहले अपने दिल्ली से आ रहा हूँ तो आई वुड बी लाइक कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वैसा है। अहमदाबाद ना मेहमान बनी ने केवू लाग्यू? इट्स बीन अमेजिंग सो फार, वी हैव द बेस्ट रिस्पांस इन द सिटी। आई थिंक वी एंटर्ड विद अ बैंग एंड इन द नाइट पीपल वर वेयरिंग काला चश्मा डांसिंग विद अस, सो वेरी वार्म एंड जंपी एंड एंथुसियास्टिक वेलकम। And आज हम लोग I've taken Katrina out to the riverfront also. She wanted to see a nice scenic romantic place. Yeah. So I thought कि हमेशा उसको pass करते हैं promotion में, आज वहाँ रुक के वहाँ बैठ के इनको जगह दिखाते हैं। तो तने future जुवानी तक मरे तो तू शो करिश? Future में देखने आप मुझे कोई I don't feel there's a point to know the future. मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी के साथ या कहीं पहुंचू तो फ्यूचर देखूं। आई थिंक एक जो जर्नी होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, मैं उसको नहीं खोना चाहूंगा। अगर मुझे कल पता चले कि मैं कल कुछ और कर रहा हूं, किसी के साथ हूं या कोई भी मुकाम पे पहुंचा हूं, आई वुड लाइक टू एंजॉय द जर्नी। तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि कहीं फ्यूचर में जाने देने की। कटरीना जी आपकी? आ मूवी मा एवो शू छे के दर्शकों ने तमे कहशो के आप ये मूवी बार बार देखो? इस फिल्म में फॉर ऑल द यंगस्टर्स एक बहुत अच्छा मैसेज है इन द एंड कि कैसे आज के दौर में हम सिर्फ सोच रहे हैं कि करियर के प्लान है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे बंगला गाड़ी ये सब चाहिए, पर हम कभी पर्सनल प्लान नहीं बना रहे कि मुझे अच्छी सी गर्लफ्रेंड, बीवी, फैमिली, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सो आई थिंक एक तो ये बताओ इट्स अबाउट रिलेशनशिप and in a very simple way, in a very entertaining way with it, it tells you ki how life mein balance bahut important hai, ki professional aur personal life ke beech choti choti baaton pe dhyan do, apne relationship pe dhyan do, kyunki agar aap kitne bhi ameer ya kitne bhi successful ban jaye, agar saath mein koi share karne wala nahi hai to wo total happiness nahi hogi. So I think they will get that message in a very entertaining way and definitely they'll recommend people to see this film. तो सिद्धार्थ आ पॉइंट पर तारी लाइफ में कोई छे जेनी साथे तो तारी लाइफ शेयर करवा इच्छे छे? पिछले 8 साल में जैसे बॉम्बे आया था एक्टर बनने, तब प्लान सिर्फ एक्टर बनने का था, प्रोफेशनल प्लान ही था। टुडे नाउ आई थिंक थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ या कुछ जगह बन रही है, तो आई फील नीड टू मेक अ सपोर्ट सिस्टम, मेरी खोज जारी। रियल कटरीना ने बार बार देखो नी दिया मां शू फर्क छे? That's what I was saying, that I was able to relate to her so much. She's very outspoken. She's very passionate. Unke liye family aur relationship aur pyar sabse zyada important cheez hai. Kaam bhi karte hain lekin unke liye unka priority hai wo family aur relationship hai.
जब वो खुश नहीं है वो she expresses herself very loudly. When she's happy, she expresses herself. When she's hurt, she expresses herself even more loudly. So she's a very open-hearted person and expressive. And I think there's actually a lot of similarities. સૌંદવાદની મહેમાન બનેલી બાર બાર દેખોની ટીમે અહીં ખૂબ બધી મસ્તી કરી છે અને ફિલ્મ વિશે દિલ ખોલીને વાતો પણ કરી હતી. વિશ બાર બાર દેખો દર્શકો વારંવાર જોવા જાય. બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ.